के जाने माने वैद्य अनोखे लाल जी के साथ स्वास्थ्य संबंधित कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आज दर्शक लोग लाभान्वित होंगे। नमस्कार 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 वैद्य जी। जैसे हम आपके बारे में जानते हैं, आप देश के जाने माने वैद्य हैं, कई तरह के रोगों में घरेलू नुस्खे के बारे में बताते हैं, तो कई तरह के रोगों में काफी गुणकारी और लाभकारी होता है। क्या हमारे दर्शकों घरेलू नुस्खे के बारे में बताना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो रोगों के विषय में काफी लाभमंद होगा, और कुछ दैनिक कार्यों के बताने जा रहा हूँ जो आप लोग गलत तरीके से करते हैं। जैसे हम लोग रोज पानी पीते हैं लेकिन गलत तरीके से, हम लोग खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हमारे घुटनों में दर्द होता है जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। तेज पंखे के नीचे या एसी में सोने से मोटापा बढ़ता है। एल्यूमिनियम के बर्तनों के प्रयोग से अंग्रेजों ने देशभक्त भारतीय कैदियों को रोगी बनाया था, अतः मैं आपको सलाह देता हूँ कि एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग ना करें। लगवा होते ही अगर मरीज के नाक में देसी गाय का शुद्ध घी डाला जाए तो लगभग 15 मिनट में ठीक हो जाता है। देसी गाय का दूध रोग नाशक है और विदेशी गाय का दूध रोग कारक है। हाँ तो वैद्य जी, आपने अभी जो घरेलू नुस्खे के बारे में बताया है, वाकई वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ बिल्कुल, आजकल असंतुलित खान पान से बहुत सी समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे गैस बनना, ब्लड प्रेशर बनना, एनीमिया होना, मुहासे की समस्या आदि। तो वैद्य जी, आपको ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताइए जिससे सारी समस्या दूर हो जाए। जी हाँ रिपोर्टर साहिबा, मैं आपको ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और उनमें से एक है गुड़। गुड़ खाने से बहुत फायदे होते हैं, जैसे गुड़ खाने से गैस की दिक्कत नहीं होती, गुड़ आयरन का मुख्य स्रोत है, इसलिए यह एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। गुड़ ब्लड से खराब टॉक्सिन दूर करता है जिससे त्वचा दमकती है और मुहासे की समस्या नहीं होती। गुड़ शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। गुड़ और पके चावल को खाने से बैठा हुआ गला आवाज खुल जाती है। गुड़ और घी मिलाकर खाने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। गुड़ का हलवा खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। हाँ तो वैद्य जी, आप हमारे स्टूडेंट पधारे, स्वास्थ्य संबंधित बहुत कुछ बताया, इसके लिए आपका जी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आपको और आपकी पूरी जी न्यूज की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।